हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल के रमा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने सीरीज़ को देखकर ख़त्म कर दिया है और अब मैं सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूं कि आपको इस सीरीज़ में क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या इस सीरीज़ को आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते या फिर नहीं, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सीरीज के बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। यह क्राइम कॉमेडी थ्रिलर से भरपूर ड्रामा सीरीज होने वाली है। इस सीरीज को पूरी तरह से देखकर खत्म करने के लिए आपको टोटल 9 एपिसोड देखने पड़ेंगे जिनकी लेंथ 1 घंटे के आसपास होने वाली है। एंड इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें कहानी फोकस करती एक सीए टॉपर त्रिभुवन मिश्रा के कैरेक्टर पर, जो एक सिंपल सी लाइफ जी रहा होता है। वो एक बहुत ही सीधा साधा ईमानदार इंसान होता है और एक दिन उसकी ये ईमानदारी उसके पिछवाड़े में घुस जाती है जब उसकी पूरी लाइफ की कमाई एक कांड के चलते चली जाती है, जिसके बाद मिश्रा जी को ईमानदारी छोड़कर जुर्म की दुनिया में जाना पड़ता है। उनके साथ क्या कांड हुआ था और आगे क्या क्या कांड होते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज लास्ट तक देखनी पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लो कि ये सीरीज सबके लिए नहीं है। ये सीरीज खासकर टर्की फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि सीरीज में आपको गाली गलौज के साथ साथ भर भर के बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाती हैं। सीरीज में जो एक्शन देखने को मिलता है उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। सीरीज की जो स्टोरी है और उसे जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो कमाल का है। ड्रामे को देखते समय आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसे चुपचाप देखना है। मिश्रा जी की जो फैमिली है वो लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली जैसी ही है, जिनसे आप आसानी से कनेक्ट हो जाते हो। इस सीरीज में आपको पंचायत के 2 कैरेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। इस सीरीज की जो एंडिंग है उसे ओपन रखा गया है, यानी हमें इसका सीजन 2 भी देखने को मिलेगा। सीरीज में जो कैरेक्टर हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कमाल की है, जिस वजह से आप इसके कैरेक्टर से आसानी से कनेक्ट हो जाते हो। सीरीज की जो एंडिंग है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। सीरीज का स्क्रीन प्ले, कैमरा एंगल, सिनेमाटोग्राफी और बीजीएम कमाल का है। इस सीरीज को आप फैमिली के साथ भूल कर भी मत देखना, वरना आपके चूतड़ भी लाल हो सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इस सीरीज को फाइंड आउट करूं तो अगर आपको गैंग वॉर, कॉमेडी, एडल्ट ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरह वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।